स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। इस तरह आप एक बहुत दुर्दंत ताकत के हाथ में बने हैं, ये क्रूर है, सबको नचा, आत्मदेव को नहीं निकलने दे रही है। वो कौन जो कह रहे हैं मैं हूँ लहर सिंह, ये जो कह रहे हैं मैं लहर सिंह हूँ यही मना है, देखो सब काम तो यही कर रहा है। इसलिए साहब ने वाणी में साफ कह दिया, मने स्वरूप ही देव निरंजन तोहें राग भरमाई, ये परमिट नहीं करेगा भक्ति ध्यान मुक्ति में, इसलिए तुम हे मानव नहीं निकल सकोगे इससे। अब कोई कह रहा कर्मकांड से निकलोगे, कोई कह रहा तप तीर्थ से, कोई कह रहा योग से, कोई कह रहा क्रिया से, कोई कह रहा चक्र शोधन चक्र भेदन से। साहब ने कहा सब व्यर्थ चले जाएंगे, तुम किसी योग से नहीं निकल सकते हो। इतने दीर्घ दीर्घ योगी, इतने बड़े बड़े ऋषि श्रृंगी आदि, जिन्होंने योग शक्ति से अपने शरीर को वज्र बना और हड्डियाँ हड्डियाँ रह गई, ताकि वीर्य नहीं होगा तो सेक्स की भावना नहीं आएगी, लेकिन उनको भी माया ने दे मारी फटकी, वेश्या से ब्याह कर बैठे। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। तुम इससे पार नहीं पाओगे, तुम इससे नहीं निकल सकोगे, सदगुरु पार कर देगा, इसलिए तुम्हें गुरु पार करेगा। ये थीम साहब ने बोली, लेकिन वो तो कह रहे तीर्थ कर पार हो जाएगा, कोई कह रहा है जप कर पार हो जाएगा, कोई कह रहा है कर्मकांड कर पार हो जाएगा। साहब कह रहे हैं ये सब साधन से ना हुई, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ा बेपी। लहर सिंह की आत्मा को लहर सिंह ने पकड़ रखा है, और कोई नहीं पकड़ा है, ये लहर सिंह आत्मा से अपने पूरे काम करा रहा है, आत्मा को बंधुआ बनाया हुआ है। लहर सिंह कौन है? मन है। इसलिए चेतावनी साहब आत्मदेव को दे रहे हैं, ठीक है, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा। ये चेतावनी के शब्द किसको है? आत्मदेव के लिए, आत्मदेव तू जाग जा। हालांकि आत्मा के द्वारा ही सबका संचालन है, वो सब संचालित हो रहे हैं आत्मा की शक्ति से, तभी तो साहब ने ये शब्द कहा आप ही बंध लो। अपनी शक्ति से आत्मा ने अपने आप को बांध रखा, कैसे? जैसे स्वान है कांच बंदल में भरमत भूख मरो, जैसे गज फटिक शिला पर कर प्रभाव हारो, जैसे हाथी अपनी परछाई को चट्टान पर देखकर दूसरा हाथी मानकर प्रहार करता है और चोट लगती है चट्टान की, वो सोचता है दूसरे हाथी ने मारा और मारा जाता है, फिर सर मारता है, सर फाड़ देता है अपना। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो घर घर रटत फिरो, जैसे बंदर हाथ डालता है पात्र में सुराई में चने निकालने के लिए भीगे चने, संकरे मुंह में पतला हाथ चला जाता है, जब मुट्ठी भर लेता है हाथ बाहर नहीं आता है, तो कहता है मुझे छुटाओ कोई पकड़ लिया है, उसने खुद अपनी शक्ति से जकड़ा है। जैसे नाहर कुएं में अपनी प्रतिमा देख लो, जैसे शेर कुएं में अपनी प्रतिमा देख करके कूद पड़ा, किसी ने धक्का नहीं दिया, बस आत्मा अपने को बांधी हुई, आत्मा को भ्रम हो गया मैं कमलचीत सिंह, आत्मदेवी कह रहा है मेरी जनानी है, वो तू तो शरीर ही नहीं जनानी कैसी, आत्मा भी कह रही मेरा आदमी है, आत्मा भी कह रही मुझे भूख लग रही है प्यास लग रही है मैं शरीर हूँ, और जड़ चेतना एक ग्रंथ पड़ गई, शरीर और आत्मा की गठन बन गई। इसलिए आत्मा जब ते जीव है संसारी छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी, आत्मा जब से शरीर अपने को माना तब से दुख है। इस तरह तू नहीं निकल सकता है, तू बड़ी शात्र ताकतों के हाथ में बना है, इसलिए तुम्हें सदगुरु निकालेगा, ठीक है, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। ये बंधन मुक्त करने की प्रक्रिया से तुम्हारे अंदर अध्यात्म शक्तिपात करेगा, शक्तिपात जब ये शक्ति आएगी तो फिर आत्मदेव जागेगा, फिर वो लहर सिंह की खबर लेगा। कमल सिंह वैसा ही है लेकिन आत्मदेव हिलने नहीं दे रहे अभी, ठीक है ना। आत्मदेव ने इसको कहा खबरदार फालतू काम नहीं करना, अभी भी ये चाहता है यूं करूं
फौरन अंदर से वो ताकत रोक रही है, ये ताकत गुरु दे देगा, इसलिए वो ताकत तुम्हें बचाती जाएगी। मन की आसक्तियाँ, मन की पूरी शक्तियाँ, मन के पूरे दाव समझ में आते जाएंगे, मन की क्रियाएं, मन की हरकत, काम क्रोध लोभ मोह सब समझ में आते जाएंगे। ये बड़ी बारीक चीज़ है, ये कोई दे नहीं पा रहा है। इससे क्या हुआ, लहर सिंह एक नेक इंसान बन गया। लहर सिंह तो वाहियात आदमी था, कमल सिंह तो बड़ा बेकार बंदा था। बस साहब यूं कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर देना। ये सिर्फ दो ही थोड़ी, आप सबकी वही कहानी है। अरे धर्मदास भी तो इतना दानी था, वो भी यही कह रहे हैं, ये सब ही प्रभु तुम्हें ही कीना, वरना मैं हतो परम मलीना, मैं तो बड़ा बेकार था। यही तो मैं दावे से कह रहा, मैं बदल दूंगा। अगर तुम्हें, तुम नहीं बदले, मेरी गलती नहीं है, तुमने अपने आप को मेरे हवाले ही नहीं किया, तुमने यकीन ही नहीं रखा। मैं कहा कर प्रतीत मिलाऊ तो ही, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। इसलिए ये नाम की ताकत आपके साथ काम करे। साहब कह रहे हैं सच्चे नाम के बारे में ये संसार कुछ नहीं जानता है। आज नाम सबको दर्शाया, जग जीवन को ज्ञान सुनाया, तो क्या कहने लगे लोग, यह जुलाह भेद न पाए अज्ञानी क्यों कर मचाए। सबने कहा पढ़ा लिखा नहीं है। जब साहब ने सत्य भक्ति की बात कही, क्या हुआ, जो पाखंड था भक्ति का वो हिल गया। साहब ने क्लास कास्ट कलर ट्रीट लेस होकर के बात की, इससे सरगुण निर्गुण बात का थोड़ा ढांचा हिल गया। उनको लगने लगा कि इनकी शिक्षा पर चलने से हमारे आय का विनाश हो जाएगा, इसलिए साहब के लिए, साहब को बड़ा डिफेम किया गया कि पढ़ा लिखा नहीं है, जुला है, छोटी जात का है, संस्कृत जानता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इस तरह से भ्रांतियां फैलाई। साहब खुद कह रहे हैं उनको इन प्रॉब्लम से रहबर होना पड़ा। आज नाम की शुद्ध बिसराए, माया में सब जग लपटाए। वो न किसी धर्म के विरोधी थे, न किसी जात के विरोधी थे, कभी नहीं। आखिर फिर ऐसा उनके लिए क्यों कहा गया, आडंबर के विरोध में बोले वो। आप उनकी सहज वाणी को तो पढ़े ना, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। आप देखे ना उनके थॉट्स कैसे थे, राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा रामा। उनकी वाणी सचेतक थी, वो यहाँ पर कोई फसाद करने नहीं आए। वर्तमान में हम जो देख रहे हैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, न तो उन्होंने धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े राजा थे, न तो उन्होंने कोई किला बनाया, न तो उनके पास कोई कमांडो था, न तो उनके पास कोई अंगरक्षक था, न तो उन्होंने कोई फसाद कराया दुनिया में, नहीं 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 नहीं, नहीं। दरअसल वो आकर के सत्य भक्ति की और सत्य सभ्यता का प्रचार किए थे कि हे बंदे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमा है, ऐसे घट घट साइयाँ, मूर्ख जानत ना है। हुआ क्या, देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भारतवर्ष के 20 प्रांतों में जाता हूँ, भक्ति के नाम पर जो मैंने देखा वो बताता हूँ। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ हम ही हिंदू हैं, यहाँ झंझट हो जाता है। अब समस्या क्या आई, समस्या यही, ये महान संस्कृति है, ये महान देश है, इस धर्म की तीन मान्यताएं, ईश्वर हैं। आप कहेंगे जी कुछ कह रहे हैं ईश्वर नहीं है क्या, सभी तो ईश्वर मान रहे। नहीं नहीं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैन मत में परमात्मा शब्द नहीं है, और महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग में आत्मा की बात है, परमात्मा शब्द ही नहीं है।
इसलिए महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, परमात्मा की बात ही नहीं है बौद्ध धर्म में। लेकिन हमारा धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। दूसरा, आत्मा अमर है, या आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति। तीसरा, आत्मवतम सर्वभूत। तीसरा, संस्कार। हम सब संस्कार हमारे साथ जीवन में हैं। इस धर्म की ये तीन ठोस मान्यता है, हम तीनों ही तो मान रहे हैं। इसकी ठोस तीन मान्यता है। संस्कार ये है कि हर एक मनुष्य की बुद्धि अंतःकरण पुनर्जन्म के अनुसार होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। यानी इसलिए ये चीज़ें हम सब के जहन में है। कहीं बुखार भी हुआ तो कहते हैं भाग्य में यही लिखा था, या कहीं और, वो क्या है, अतीत में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित। वो कहाँ आता है, हमारे अंतःकरण में है। इसी के अनुसार कर्म सारणी बुद्धत्मा ने हमारा नेचर बनता है। ये धर्म ये मान रहा है तीन। तो इस धर्म की तीन मान्यताएं हैं और दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। देखो हम उसका पालन तो कर रहे हैं ना पूरा। भाई कहा जाता है ये दुनिया का सबसे महान धर्म है, क्यों है आओ मैं बताऊं। ये इस मान्यताओं के कारण है कि सत्य और अहिंसा, यानी इसके दो सिद्धांत हैं। तुम अगर हिंदू हो, तुम अगर इस संस्कृति को मानते हो, दो चीज मानना, अहिंसा, सत्य और अहिंसा। इसलिए इस धर्म में किसी भी प्राणी को कष्ट देना नहीं है, किसी को नहीं मारना, हम शुद्ध वैष्णव हैं। मैंने लाखों आदमियों का मांस उड़ाया यार, हम कहाँ से आ गए दूसरे धर्म के। लाखों आदमी का हमने मांस उड़ा दिया, वर्जित है, मांस के बर्तन में हम लोग नहीं खाते। इधर इस क्षेत्र में मैंने सभी बिरादरी, एक बार मुझसे एक पत्रकार ने एक बात पूछी, बोला जी आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा दो, पहला कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, पूरे भारत में संतत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले मैक्सिमम एससी है, और साहब की थीम को मानने वाले एससी। मैंने ये थीम तोड़ दी, मैंने 1,25,000 पंडितों को साहेब का नाम देकर समझाया, उनको मैं साहेब की भक्ति में लगाया, यार ये छोटी बात है क्या। और 1.5 लाख ठकुरों को, छत्रियों को साहेब की भक्ति में लगाया, और इतने ही महाजन, इतने ही बैकवर्ड, इतने ही एससी, पहली उपलब्धि मेरी ये है। आप पूरे भारत का भ्रमण करना, संत आइडियोलॉजी को 90% से ज़्यादा एससी और एसटी मानता है। मैंने ये मिथक तोड़ दिया, मैं उनको समझा ले गया कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किसी जात के खिलाफ नहीं थे। ये बड़ा टफ था। छोटी बिरादरी वाले तो साहब को इसलिए पकड़े कि उन्होंने कहा हमारा रहनुमा है, हमारे हक की बात की। और बड़ी बिरादरी के दिल में ये मिसअंडरस्टैंड लाई गई कि ये उनका विरोधी है। नहीं 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 नहीं, साहब तो किसी के विरोधी थे ही नहीं, उन्होंने पूरी कयानत और मानवता को जगाने की बात की थी। तो पहला ये। दूसरा, जो हमारे सत्संगी हैं, बात मानते हैं, वो बात मानते हैं, अमल करते हैं, ना दारू पीते हैं ना कुछ। आइए हम आगे चलते हैं। तो बंधुओं अब देखते हैं सत्य अहिंसा है क्या। हमारा वेद तो कह रहा है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा अष्ट प्रकरण है, सत्य के भी 8 अंग हैं। यानी ये धर्म कह रहे, मानो अगर तुम बलवान है, कमजोर को मत दबाना, उसको दुख हो जाएगा, ये वायलेंस है, तुम ये नहीं करना। तुम विद्वान हो, किसी अनपढ़ को नहीं सताना, अपनी विद्या से तुम उसका सहयोग देना, तुम आचरण से शुद्ध रहना। आगे सत्यता भी बताऊंगा। अगर तुम धनवान हो, किसी गरीब को नहीं दुख देना, उसको तुमने दुखाया, ये वायलेंस है। भैया अहिंसा बहुत बड़ी बात है, अहिंसा कोई साधारण चीज नहीं है। तुम वचन से भी किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को ऐसा कठिन नहीं बोलना जिससे उसका हृदय दुखे। तुम अगर बुद्धिमान हो, कम अकलमंद आदमी को नहीं दबाना, ये वैलेंस है, ये पाप है। देखा कितना जेंटल धर्म है। तुम किसी भी तरह से आत्मवतम सर्वभूतेषु, किसी को भी दुख नहीं देना, इसलिए ये महान है कि आक्रांता नहीं इसमें किसी को तुम, क्योंकि सब में एक आत्मा देखना, सब में आत्म रूप पहचान। और जो तुमसे गरीब है उसको तुम धन की ऐंठ मत दिखाना,
जो तुमसे दुर्बल हैं, तुम धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर तुम धन से किसी गरीब को नहीं सताना, नहीं दबा देना, ये वायलेंस है। कुछ लोग कहते हैं गरीब को देखा, कहा तुम सब में आत्मा देखना। हम लोग कभी कभी क्या भूल करते हैं, किसी को मोटा तगड़ा देखकर इज्जत करते हैं। अरे हमने तो फिर मांस की और हड्डियों की इज्जत की। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी का धन देख करके इज्जत करते हैं, तो हमने तो फिर पैसे की इज्जत की। कभी कभी कपड़े लत्ते देख करके, वैभव देख करके इज्जत करते हैं, कभी कभी जात देख कर इज्जत करते हैं, लेकिन आत्मदेव की तो इज्जत की नहीं ना। सब में तेरा जलवा समा रहा है, इसलिए ये धर्म कह रहा है आत्मवतम सर्वभूतेषु। तू मजा सावधान, अमीर होना बुरी बात नहीं है, गरीबों की मदद करना, गरीबों को मत दबाना, ताकतवर होना बुरी बात नहीं है, तुम ताकतवर बनो, पर ताकत से किसी को वैलेंस नहीं करना, तुम उसको सहायता करना दुर्बल की। विद्वान होना बुरी बात नहीं है, पर विद्या का अहंकार करके अनपढ़ लोगों को ठगना मत, अपनी विद्या से उनको रोशनी देना, ये धर्म सिखा रहा है भैया। अगर ये धर्म ग्रेट है तो कारण, मैं तो एक मूल रूप से सन्यासी हूँ और सैनिक हूँ, कहीं मुझे उग्रवादी बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, ये अपनी इंटरेस्ट होती है, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी मुझे कुछ लोग आकर, एक माई आई आकर के रोने लगी, कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ी गालियाँ बकती हैं, ये कहती है वो। अरे मैं बोला बावड़ी चुप रहा है, बूढ़ी हो गई सांस उस सास, उसके दिमाग तो खून नहीं पहुँच रहा है, अनाप शनाप बोलेगी, बाईस बस करती जा, एक सास से तू परेशान, मुझे कोई उग्रवादी, कोई बदमाश, कोई गुंडा कहता है, चुपचाप मस्ती में जी रहा हूँ, मस्ती में जी, छोड़ बूढ़ी सांस की हाँ में हाँ मिलाती जा, काम अपना करती जा, ठीक है, बस फिक्र को धुएं में उड़ा था, चल जीना। जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी कला है। तुम अगर ऊंची जात के हो तो बुरी बात नहीं है, अच्छा है, ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन छोटे को नहीं दबाओ ये कह के कि मैं ऊंचा हूँ। सब में आत्म रूप पहचान, ये नानक देव जी भी बोले, भैया संत आइडियोलॉजी बहुत ऊंची है। वो ऐसे टाइम पर आए जब मैन टू मैन, होम टू होम, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही थी दो संस्कृतियों की, हिंदू और मुसलमानों की, तब आकर कहा राम रहीम आए कहें भाई काहे करत लड़ाई, हिंदू कहे राम राम मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम को ही ना जाना, दिल में खोजो दिल में खोजी यही करीमा रामा। आइए हम, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, तो ये है तो अहिंसा। सत्य क्या है? सत्य में कह रहे हैं देखो, हमारा हम इसी को हाईलाइट कर रहे हैं, तुम्हारी वाणी शुद्ध हो, तुम झूठ नहीं बोलो, तुम्हारा खान पान शुद्ध हो, तुम्हारी संगति शुद्ध हो, तुम्हारा आचरण शुद्ध हो, तुम्हारा चिंतन शुद्ध हो, तुम्हारी कमाई शुद्ध हो, किसी का धन नहीं लेना ऐसा। सत्य अष्ट प्रकरणे, वेदों में भी उद्घोष है सत्य में जयते, ये कोई साधारण धर्म नहीं। आप अतीत को उठाकर देखो, भारत की संस्कृति इतनी महान रही, कोई भी हमारे देश से कोई राजा किसी दूसरे राज्य के ऊपर हमला करने गया ही नहीं। यहाँ कोई न तैमूर लंग हुआ, न यहाँ चंगेज खान हुआ, न अहमद शाह अब्दाली हुआ, कोई नहीं। ये संपन्न देश है, क्यों संपन्न है? गंगा और यमुना, गंगा और सिंधु नदी का डेल्टा सबसे उर्वरक उपजाऊ है, दुनिया का सबसे फर्टिलाइजेशन का एरिया है, इसलिए सब यहाँ आए, भारत कहीं नहीं गया। यहाँ सभी खनिज है, सभी वातावरण है, ये संपन्न और शांत देश काफ़ी उन्नत है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय भी भारत में था, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आप देखें बर्मा, श्रीलंका, चाइना आदि इन देशों से लोग यहाँ जापान अध्ययन करने आते थे। ये धर्मगुरु था, इसकी वजह थी ये शांत था, ये सौम्य देश है, यहाँ वैलेंस नहीं। तो बंधुओं आइए हम देखते हैं, वर्तमान में हम जो भक्ति का स्वरूप देखते हैं, महापुरुषों ने उससे सजग किया, उससे सावधान किया। उनकी वाणी तो कॉशनरी है, अरे भाई कॉशंस तो मिलते हैं ना यहाँ, आप देखो बिजली के उस पर जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ हाई टेंशन लाइन है, यहाँ पैलों ने बड़े बड़े एक एक ढांचा बनाया हड्डी, और उसका कॉशन 50,000 वोल्टेज पावर, मत जाना मर जाएगा, वो कॉशन है ना। इस तरह आप रोड पर जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर हैं, तो कहीं कहीं पहले कॉशन आता है, कॉशन स्पीड ब्रेकर अहेड, एयर ड्राइवर अपनी रफ्तार कंट्रोल कर, आगे स्पीड ब्रेकर है तेरी गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह संतों की वाणी कॉशन है,